बड़वानी जिले के नवीन मंडल चाटली में भारतीय जनता पार्टी की मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भाजपा के जिला अध्यक्ष ओम सोनी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि भाजपा की पद्धति अनुसार तथा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निर्देश पर जिले में भी कार्य समिति की बैठक हुई। उसी तरह चाटली मंडल की कार्य समिति की बैठक भी आज संपन्न हुई। इसमें प्रदेश से बताए कुछ मुद्दों के साथ कुछ स्थानीय मुद्दे भी थे। कार्य समिति की बैठक कार्यकर्ताओं का आंतरिक विषय है, जिन पर खुलकर बात हुई, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने खुलकर अपने विचार रखे और पार्टी का पोर्टफोलियो भी यही है कि हम कार्य समिति में अपने क्षेत्र की चर्चा करें। कार्य समिति की बैठक में पूर्व सांसद सुभाष पटेल, पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य मोहन गोले, जिला पंचायत सदस्य कन्हैयालाल सिसोदिया, मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा, अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष कलीम मंसूरी, जिला मंत्री सरिता खरते, जितेंद्र जैन सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चाटली मंडल कार्य समिति की बैठक में पधारे, क्या रहा निर्णय इस बैठक में? आज भारतीय जनता पार्टी की पद्धति है और कि राष्ट्रीय स्तर पर जब बैठक होती है तो राष्ट्र की चर्चा होती है, प्रदेश स्तर पर जब बैठक होती है तो प्रदेश की चर्चा होती है। उसी प्रकार उसी क्रम में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के निर्देश पर जिले की बैठक हुई और आज बड़वानी जिले की चाटली मंडल की कार्य समिति की बैठक हुई। चाटली मंडल हमारे पांचवें विधानसभा का नया मंडल है। आज कार्य समिति में जो विषय हमको प्रदेश से बताए गए थे और जो स्थानीय विषय थे उन विषय पर खुलकर हमारी चर्चा हुई। चूँकि हमारा आंतरिक विषय है जिसमें हमारे सब कार्यकर्ता अपने अपने विचारों को रखते हैं और पार्टी का पोर्टफोलियो यही है कि हम कार्य समिति में अपने क्षेत्र की चर्चा करें, अपने क्षेत्र के लोगों के उत्थान और विकास के लिए हम कैसे काम कर सके, हमारी सरकार की योजनाओं को हम कैसे गाँव-गाँव तक, घर घर तक और झोपड़ी झोपड़ी और खोपड़ी खोपड़ी तक कैसे पहुँचाएँ, उसकी हम सब ने मिलकर चर्चा करी। इस बैठक में यहाँ के विधानसभा के प्रभारी सुभाष पटेल जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष भाई सुरेंद्र कुशवाहा जी, इस विधानसभा के नेता कन्हैयालाल सिसोदिया जी, बाकी हमारे सब वरिष्ठ नेतागण और कार्य समिति के सदस्य भाग लिया और भगवान इंद्र की भी आज बड़ी कृपा रही कि आज हमारे जिले में बारिश हुई और चाटली मंडल में भी बहुत अच्छी बारिश हुई। आप सबको भी, मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का आभार।